देखो इसमें क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय घूमने जा रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉयर खर्चा दे रहा है, ठीक है, तो उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। वैसे तो वो बेनिफिट है, पर आपको उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ इंडिया में ही ट्रैवल करने पर एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है ना। बाहर अगर घूमने जाओगे तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसको समझते हैं। अच्छा, कितने मोड से ट्रैवल कर सकते हो, और शिप से भी ट्रैवल कर सकते नहीं हो, नाइस। और रोड भी समझ में आ रहा, तुम लोग सबमरीन तक पहुंच गए। हाँ बोला, हाँ मैं तेरे सुन लिया सबमरीन। ठीक है, देखो दो पार्ट्स करेंगे, एक तो ट्रैवल बाय एयर है ना, और एक ट्रैवल बाय एनी अदर मोड, ठीक है। अगर ट्रैवल बाय एयर है तो एग्जेम्पशन अमाउंट जो इकोनॉमिक फेयर होता है ना प्लेन का, उससे अपन एग्जेम्पशन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अगर एनी अदर मोड है तो फिर रेलवे का फेयर देखते हैं अपन, भले आप रोड से भी जा रहे हो और ट्रेन से भी जा रहे हो, तो भी अपन रेलवे को कंसिडर करके क्या करेंगे, एग्जेम्पशन अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। ये क्लियर है ना, तो चलो एक चार्ट बनाएंगे अपन एलटीसी का, कुछ फैन एसी कैसे बैठे रहते हो तुम लोग, ये वाला फैन ही जला दो एटलीस्ट। लीव ट्रैवल कंसेशन बेटा, देखो ये लीव ट्रैवल कंसेशन सेक्शन 10(5). एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(5), क्या बेटा, मेडिकल फैसिलिटी का सेक्शन बताया तुम, सेवेंटीन टू का प्रोविजन। बाय एयर और बाय एनी अदर मोड, ठीक है, अभी चार्ट में लिख लेते हैं। बाय एयर में अमाउंट नॉट लिमिटेड, नॉट एक्सीडिंग द एयर इकोनॉमिक फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि एक्चुअल जो खर्चा हुआ, एक्चुअल एक्सपेंस और इकोनॉमिक फेयर, ठीक है, विच एवर इज लेस, ठीक है, और वो भी ऑफ द नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। मतलब अगर कोई एक जगह जाने के दो रूट्स है, एक लंबा वाला एक डायरेक्ट, ठीक है, आप मान लो कि लंबे वाले से घूम कर गए हो, ठीक है, तो अपन शॉर्टेस्ट रूट का इकोनॉमिक फेयर देखेंगे, उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी चार्ट में लिखते हैं। एनी अदर मोड में देखो दो पार्ट्स किए हुए हैं उन्होंने, अपन भी चार्ट में दो पार्ट्स करेंगे, कोई है क्या, वेयर रेल सर्विस इज अवेलेबल, ठीक है, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास एसी, रेल फेयर और शॉर्टेस्ट रूट का, ठीक है, टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, और वेयर रेल सर्विस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगह है पर जहां पर ट्रेन जाती ही नहीं है बेटा, जैसे लेह लद्दाख तक ट्रेन नहीं पहुंचती, ठीक है। तो अ रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट, तो
अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द फर्स्ट क्लास या फिर डीलक्स क्लास फेयर एज द केस में बी ऑफ सच ट्रांसपोर्ट बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ. ठीक है, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है जैसे गवर्नमेंट बसेस चलती है मान लो, है ना, तो वो अपन कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, और अगर कोई भी रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट एज इफ द जर्नी हैज बीन परफॉर्म्ड बाय रेल. मतलब तुम डिस्टेंस देख लो शॉर्टेस्ट रूट का, उतने डिस्टेंस में अगर कहीं और जाते तो फर्स्ट क्लास एसी रेल टिकट कितने की लगती, उतना अमाउंट क्या हो जाएगा. समझ में आया एग्जेम्पशन कैसे निकाल रहे हो यहाँ पर. हाँ बेनिफिट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल वाला पॉइंट पढ़ लो, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ और फॉर हिज और हर फैमिली. फैमिली में कौन कौन आ रहा है, बाओ चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल. ठीक है, क्लियर है क्या. अब ये वाला पॉइंट समझो, ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन. Exemption in all cases will be limited to the amount actually spent subject to such conditions as specified in Rule 2B regarding the ceiling of the number of journey for the place of destination. Under Rule 2B, exemption will be available in respect of two journeys performed in the block of four calendar years commencing from the calendar year 1986. मतलब फोर फोर इयर्स के बेटा 1986 से ब्लॉक्स बने हुए, वो एक 4 साल का ब्लॉक है, उसमें आप दो जर्नी के लिए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो. मान लो आप हर साल घूमने जाते हो, हर साल आपका एम्प्लॉयर आपको भेजता है, पैसे देता है, तो आप हर साल का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते. आप 4 साल के ब्लॉक में दो जर्नी के लिए क्या कर सकते हो, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो. इतनी बात क्लियर हुई. हाँ, where such travel concession or assistance is not availed by the individual during any block of four calendar year, one such unavailed LTC will be carried forward to the immediate succeeding block of four calendar year and will be eligible for exemption. मतलब एक ब्लॉक जिसमें मैंने एग्जेम्पशन क्लेम नहीं किया, तो मैं एक एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर लूंगी, तो अगले 4 साल वाले ब्लॉक में मुझे कितने की मिल जाएगी, तीन जर्नी की मिल जाएगी, दो ब्लॉक की प्लस एक कैरी फॉरवर्ड वाली. समझ में आया. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो अच्छे से और समझ में आ जाए. अब ये एक ब्लॉक है 2018 से लेके 2021 तक का. ठीक है, वहां पर एलटीसी अवेल नहीं किया एम्प्लॉय ने, राइट, he is allowed to carry forward maximum one unavailed LTC to be used in the succeeding block of 2022 से लेकर 2025 वाले ब्लॉक में वो carry forward कर सकता है. ठीक है, if he avails LTC in April 2023, the same will be treated as availing in respect of, ये पुराना वाला उसने जो carry forward है वो वाला exemption लिया, मतलब अभी भी उसके पास दो जर्नी का exemption अच्छा है अगर वो घूमने जाता है तो. Therefore, he will be eligible for exemption in respect of that journey and two more journeys.
कैन बी फर्दर अवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ 22 से 25 पर। आ गया समझ में? पक्का? अब लिख ले इसको, ठीक है? चलो चार्ट में दो पार्ट कर रहे हैं, ट्रैवल बाय एयर, ट्रैवल बाय एनी अदर मोड, जैसे अभी अपन ने समझा बिल्कुल वैसे। एलटीसी, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(5), ट्रैवल बाय एयर, ट्रैवल बाय एनी अदर मोड। एग्जाम कितना होगा? ट्रैवल बाय एयर में क्या पढ़ा अपन ने? एक्चुअल एक्सपेंस और हाँ इकोनॉमी क्लास फेयर शॉर्टेस्ट रूट से। बिल्कुल सही, अपन फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्चुअल एक्सपेंस, इकोनॉमी क्लास फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट। दोनों में से विच एवर इज लेस। एनी अदर मोड में आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो मैटर करता ही नहीं है। ये मैटर करता है कि वहां जहां जा रहे हो वहां पे रेलवे जाता है या नहीं जाता। समझ में आया क्या? हाँ रेलवे फैसिलिटी इज अवेलेबल और दूसरा पार्ट करेंगे रेलवे फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। चलो बताओ तुम लोग बताओ क्या लिखूं मैं? रेलवे फैसिलिटीज अवेलेबल के अंडर क्या लिख दूं? एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास एसी फेयर, ठीक है, बाय शॉर्टेस्ट रूट। एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास एसी रेलवे फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट। दोनों में से विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। रेलवे फैसिलिटी नॉट अवेलेबल के अंदर दो पार्ट्स किए हुए थे अभी अपन ने जो पढ़ा था टेबल। कौन से दो पार्ट्स? कि रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर भी मैं दो पार्ट्स करूंगी, ठीक है?
रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉट अवेलेबल, राइट। चलो अब रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो कितना एग्जेम्प्ट होगा? एक्चुअल एक्सपेंस डीलक्स क्लास फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट लिखा था यहाँ पे, और रिकॉग्नाइज अगर नहीं है तो क्या करेंगे अपन? देखेंगे एक्चुअल एक्सपेंस और अपन देखेंगे फर्स्ट क्लास एसी रेलवे फेयर ऑफ सिमिलर डिस्टेंस बाय शॉर्टेस्ट रूट। क्या बेटा बड़ा कर दूं? ठीक है, तीन नोट्स डालेंगे अपन। नीचे नोट नंबर 1 डालो, फैमिली के कौन कौन किसके लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल है। नोट नंबर 1 डालो, बताओ किसके लिए अवेलेबल है? फॉर इंडिविजुअल स्पाउस चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट, लिखो। एलटीसी एग्जेम्पशन इज अवेलेबल, एलटीसी एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर द ट्रैवल ऑफ, फॉर द ट्रैवल ऑफ एम्प्लॉई, फॉर द ट्रैवल ऑफ एम्प्लॉई स्पाउस चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट मदर फादर ब्रदर सिस्टर। देखो ये वाले नोट में क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रेट कर सकते हो? ये वाला नोट नहीं, इसके ऊपर
यहाँ तक ठीक बता दिया रिया ने। और एक चीज और, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ, वो 1998 वाला पॉइंट अलग है, एंड ये ऑल्सो इन केस वाला पॉइंट अलग है। ऑल्सो इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर वन चाइल्ड, मतलब अगर किसी का पहला बच्चा हुआ सेकेंड टाइम में जुड़वा हुए, समझ में आया, तो फिर तीन बच्चों का अलाउड होगा या ट्रिपलेट्स होगा सेकेंड टाइम में। मल्टीपल बर्थ्स तो ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं ना, ठीक है, तो फिर चारों बच्चों का अलाउड है, क्लियर है, ठीक है। और 1998 के पहले मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा बच्चों का अलाउड है। वैसे 1998 अपन को इतना याद नहीं रखना है, ठीक है, अपन को याद रखना है कि दो बच्चों को मिलेगा, ठीक है। और मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड के केस में ज्यादा बच्चों के लिए भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसका नोट डालो, एग्जेम्पशन ऑफ एलटीसी, एग्जेम्पशन ऑफ एलटीसी अवेलेबल फॉर टू चिल्ड्रन, अवेलेबल फॉर टू चिल्ड्रन बॉर्न ऑन और आफ्टर, बॉर्न ऑन और आफ्टर 1/10/1998, ठीक है। दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल, दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, आफ्टर वन चाइल्ड, ठीक है। एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर वन चाइल्ड, फर्स्ट माँ तो नहीं मिलेगा। देखो ऐसा है, बताती हूँ, आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, वन चाइल्ड लिख लो, फर्स्ट चाइल्ड लिख लो, ठीक है। देखो ऐसा है ना, कि जैसे जो फर्स्ट टाइम वन चाइल्ड हुआ, ठीक है, और सेकेंड टाइम ट्वेंस हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल, तीन चिल्ड्रन हो गए, तीनों के लिए मिल जाएगा एग्जेम्पशन फॉर ऑल थ्री। ये क्लियर है, ठीक है। पर अगर ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम ही ट्वेंस हो गए, ठीक है, और फिर सेकेंड टाइम एक बच्चा हुआ, यहाँ पर भी तीन है, टोटल कितने बच्चे हैं, तीन बच्चे ना, बट यहाँ पर किसने के लिए अवेलेबल होगा, के फर्स्ट टू, क्लियर है। इसको लिखना है तो लिख लो, ठीक है। चलो थर्ड नोट डालो, ये लिख लिया है, हाँ लिख लो।
क्या नोट लिखना है? लिखो एलटीसी एग्जेम्पशन इज अवेलेबल, एलटीसी एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 इयर्स, नहीं फॉर 2 जर्नीज, फॉर 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स, ठीक है? इफ एग्जेम्पशन इज नॉट अवेल, इफ एग्जेम्पशन इज नॉट अवेल इन वन ब्लॉक then exemption for one journey, then exemption for one journey can be carried forward to next block. चार चार साल के बेटा ब्लॉक बने हुए हैं, है ना? ब्लॉक कभी भी चालू होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, वो ऑलरेडी बने हुए हैं. करंट ब्लॉक में है अपन, वो है 22 से लेके 25 तक का. लिख लो करेंट ब्लॉक इज 2022 टू 2025. दोनों में एक, ठीक है? एक जर्नी कैरी फॉरवर्ड, हाँ, नेक्स्ट ब्लॉक में 3 जर्नी का एक्सटेंशन मिल जाएगा. नहीं, दोनों फॉरवर्ड कभी नहीं होगा, एक ही कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है? हाँ बेटा.
नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड।